महाराज सुनो या मेरा जिया जी कुछ रहम मेरे पे खा ले मेरी अरज सुनो या मेरा आज कुछ रहम मेरे पे खा ले मेरी अरज सुनो या मेरा
दो समझ के अपनी, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो, अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज, मैं फिर मांगू महाराज ना हो इस यमराज की लोग हसाई हो जाए, तू छल से अपने पति के प्राण मांग ले, इस बात का ख्याल करना बेटी। अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी, हाँ लेकिन जिन चीजों की मुझे जरूरत है तीन वचनों में वो मांगूंगी बेटी। हंसी खुशी लेकर के जाऊंगा, ये यमराज का वचन है जिसे सारी दुनिया आज देखेगी। एक विधवा का मैंने किस प्रकार से सहायता करने का काम किया है, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात महल जो भी तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। लेकिन बेटी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने पति के प्राण मत मांग लेना। हर बेखट के मांगो सावित्री, दे दिए वचन एक दो तीन, बेखट के मांगो सावित्री, दे दिए वचन एक दो तीन। सास ससुरा आँखों का उजियाला दे दो, जो दुश्मन ने, जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख दे मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख दे मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ ही
दियो रे मने ना चाहिए कुछ और गौर कर पूरा हुआ महाराज हो गई संतुष्टि जी। दूसरा वचन सास ससुर तेरे पने सूझते आंखों का उजियाला दिया छलते लिया मंत्री ने छलते लिया जो मंत्री ने जा वापस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ महाराज। तेरा तीसरा वचन वचन तीसरा तेरा वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया हे वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। बेटी अब तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे क्योंकि मैं तेरी बातों में काफी देर रुक गया हूँ। इतना समय मेरे पास में नहीं है इतनी मुझे इजाजत भी नहीं है एक व्यक्ति के प्राण निकालने के लिए मैं इतनी देरी कर दूं। तू अपना रास्ता देख और मुझे अपना रास्ता। कहाँ जाते हो महाराज? क्यों आप अभी नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आपने मेरा तीसरा वचन पूरा नहीं किया। कौन कहता है कि मैंने तेरा तीसरा वचन पूरा नहीं किया? मैं कहती हूँ आपने मेरे दो वचन तो पूरे कर दिए लेकिन तीसरा वचन पूरा नहीं किया। मुझे सुनाई नहीं दिया होगा। मैंने ध्यान से नहीं सुना कि आपने तीसरा वचन पूरा किया या नहीं। अच्छा हाँ तुम क्या कह रही हो? तूने ध्यान से नहीं सुना तीसरा वचन? नहीं क्योंकि तीसरा वचन तेरे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ ध्यान से नहीं सुना। दोबारा दीजिए महाराज। क्या इस यमराज को दोबारा पूरा कीजिए तीसरा वचन। अच्छा हाँ फिर तो जाने देगी। हाँ पहले पूरा कीजिए वचन तीसरा। वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यार। बिना पति के बिना पति के बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवा। मुझसे बहुत बड़ा घोर अपराध हो गया है। ऊपर वाले ये दुनिया के लोग इस यमराज के मुंह पर थूथू करेंगे। मैंने एक पतिव्रता स्त्री को ये कैसे वचन दे दिया? एक बेटी को बेटा होगा ये मेरी बुद्धि कहाँ चली गई?
बेटी शायद आप भूल गए कि मैं एक सती स्त्री हूँ, और आप अच्छी तरह जानते हो महाराज कि अगर एक सती स्त्री का जति मर्द इस दुनिया में ना रहे तो उसको बेटा कहाँ से हो सकता है। आप वचनहार हो चुके हो, अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो मेरे पति को जीवित कीजिए, और अगर मेरे पति को जिंदा नहीं कर सकते तो वचनहार हो जाइए महाराज। बेटी मैंने अपने मुख से तेरे लिए एक बेटी का ही शब्द प्रयोग किया है, ना कि कोई और शब्द किया, क्योंकि मैं एक तेरा बाप होने के नाते जब भी तुमसे बेटी कह रहा हूं। आज जिस प्रकार से तुमने इस यमराज को इस चक्रव्यूह के जाल में फंसाया है, बचनों में बांधा है, जब तुम बांधना जानती हो तो लाडो इस यमराज को निकालने का भी एक रास्ता बता, ताकि दुनिया के लोग इस यमराज के मुंह पर ना हंसे, तुझको तेरा भी काम हो जाए और मैं वचनहार भी ना हूं, ऐसा कोई रास्ता निकाल। क्या आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है? मेरी समय बुद्धि काम करने से बंद हो गई है। आप मुझे एक बेटी कहते हो तो एक बेटी के नाते आपको एक उपाय बता सकती हूँ। बेटी आप कहते हो कि मेरे पति की आयु आज पूरी हो चुकी है, बिल्कुल सच है। हे महाराज ये बताइए कि मेरी आयु अभी कितनी बाकी है? बेटी तेरी तो अभी बहुत लंबी आयु है, तेरा पहाड़ जैसा जीवन, तेरी पहाड़ जैसी आयु जिसकी अभी कोई गणना भी नहीं की जा सकती। अगर मेरी बहुत लंबी आयु बाकी है, हाँ। जितनी भी मेरी आयु बाकी है उस आयु में से आधी आयु आप मेरे पति को दे दीजिए महाराज। अगर आप मेरी आधी उम्र मेरे पति को दे दोगे तो आपका वचन भी पूरा हो जाएगा, मेरे पति भी जीवित हो जाएंगे, आपका तीसरा वचन भी पूरा हो जाएगा, हमारे कोई संतान हो जाएगी, और एक काम और होगा अच्छा महाराज। कौन सा? कि जब दोनों की उम्र बराबर होगी, सत्यवान सावित्री जिएंगे साथ साथ, और सत्यवान सावित्री एक दिन मरेंगे साथ साथ, एक दिन मरेंगे साथ साथ महाराज। धन्य हो भारतीय नारी, धन्य हो एक पतिव्रता स्त्री, आज ये यमराज वाकई तुझको दिल से, हृदय से, हृदय की गहराई से तुझे प्रणाम करता है, तेरे चरण चूमने का जी चाहता है। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हो यम राज होया राजी होया लाचार, हार के प्राण लाश में डारे। मेरी अरज सुनो या मेरा जी, आज कुछ रहम मेरे पे था, सुनो या मेरा